क्वेश्चन नंबर फोर, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS गिवन PQ इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, RS इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल P इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल Q इक्वल्स टू 105 डिग्री। रफ स्केच बना देते हैं पहले इसका। हमें एंगल P और Q गिवन है तो हम P और Q को ही बेस लेंगे। एंगल P हमें गिवन है 75 डिग्री और एंगल Q हमें गिवन है 105 डिग्री। फिर हमें लेंथ गिवन है, PQ की जो लेंथ है वो है 4.6 सेंटीमीटर। PQ ये वाला पॉइंट होगा R और ये वाला पॉइंट होगा S। QR हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। RS हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हमें गिवन नहीं है। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, 2.5, ये है 4.6 इसकी जस्ट पास वाला। ये है लाइन सेगमेंट PQ जिसकी लेंथ है 4.6 सेंटीमीटर। अब हम पॉइंट P पर 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। 75 डिग्री हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब हम 60 और 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो 75 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले हमें 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। उसके लिए हम P को सेंटर पॉइंट रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जिस पॉइंट पर ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था वहाँ से एक आर्क कट करेंगे और उसी आर्क से फिर से उस सेमी सर्कल पे दूसरी आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे। एक आर्क हम लगाएंगे फर्स्ट वाली से और दूसरी आर्क हम लगाएंगे इस सेकंड वाली आर्क से। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मीट हुई है वो है 90 डिग्री का एंगल। इसको हम डॉटेड लाइन से बना देंगे। फिर अब इस 60 का और 90 का जब हम एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो हमें 75 डिग्री मिल जाएगा। तो हम इस 60 डिग्री पॉइंट से एक आर्क काटेंगे और दूसरी आर्क काटेंगे 90 डिग्री वाले पॉइंट से। तो ये दोनों जो आर्क है वो इस पॉइंट पर मिल रही है। ये जो पॉइंट है वो 75 डिग्री है तो हम इसको पी पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। इसको हमने पी पॉइंट से ज्वाइन कर लिया और हम इसको नेम दे देंगे एक्स। हमें इस साइड का मेजरमेंट कुछ भी गिवन नहीं है इसीलिए अब हम इस पे आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। अब हम सीधा एंगल क्यू की तरफ चलते हैं। एंगल क्यू हमें गिवन है 105 डिग्री। इसको भी हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब हम 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो हमें 105 डिग्री मिल जाएगा। तो क्यू को हम सेंटर रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पर रख के एक आर्क कट करेंगे, ये आर्क होगी 60 डिग्री की और इस 60 डिग्री के आर्क से दूसरी आर्क कट करेंगे तो ये होगी 120 डिग्री की। हमें 105 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसको हम डॉटेड लाइन से बना देंगे। अब हम इस 90 और 120 का बाइसेक्टर करेंगे ताकि हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है 105 डिग्री वो मिल जाए। ये आर्क इस पॉइंट पर मीट कर रही है तो हम इसको क्यू से ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये है हमारा 105 डिग्री का एंगल, सॉरी 105 बनाना है हमें, 120 नहीं। इसको हम नेम दे देंगे वाई। अब हमें इसकी लेंथ गिवन है क्यू से आर पॉइंट की, वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे इस तरह से और क्यू को सेंटर पॉइंट रखते हुए 5.5 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे। ये जो पॉइंट है जहाँ पर इस क्यू वाई को कट किया है आर्क ने हमारी, वो है पॉइंट आर। अब हमें आर और एस का डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर।
तो हम इस आर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क कट करेंगे पी क्यू लाइन पर। तो हम 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं, फिर इस क्यू पॉइंट को सेंटर रखते हुए इस पी एक्स लाइन पर एक आर्क कट करेंगे। ये लाइन इस जगह पर आई है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट एस, और हम इसको आर एस को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ये वाली साइड है 5.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, एट पॉइंट पी ऑफ पी क्यू कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू पी एक्स इक्वल्स टू 75 डिग्री। थर्ड, एट पॉइंट क्यू ऑफ पी क्यू कंस्ट्रक्ट एंगल पी क्यू वाई इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड कट क्यू आर इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू वाई। फोर्थ स्टेप, विथ आर एस सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर कट एन आर्क टू इंटरसेक्ट एट एस ऑन पी एक्स, जॉइन पी एस एंड आर एस, हैंस पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। रफ डायग्राम इसका बना देते हैं। हमें बी और एंगल सी गिवन है, तो हमारे जो बी सी साइड है वो इसका बेस होगा। एंगल बी हमें गिवन है 125 डिग्री, ये हो गया 125 डिग्री, और एंगल सी हमें गिवन है 60 डिग्री। फिर हमें लेंथ गिवन है ए बी साइड की, ए साइड इस तरफ होगी और डी साइड इस तरफ होगी। ए बी की लेंथ हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ हमें गिवन है 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ स्केच है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बी सी ड्रॉ करना है। बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। बी सी, अब हम एंगल बी कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंगल बी 125 डिग्री, ये कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, तो हम इसको डी की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस तरह से हमारी दोनों लाइन कोइंसाइड हो गई है। 125 जो डिग्री एंगल है, ज़ीरो हमें इस बार ही अंदर वाला देखना है क्योंकि हमारी लाइन सेगमेंट इस तरफ है, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता हुआ 125 इस जगह पर आ रहा है, तो इस जगह पर हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट को हम बी पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। इस लाइन सेगमेंट को हम नाम दे देंगे बी एक्स। अब बी से ए की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो कंपास से हम 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और बी को सेंटर रखते हुए बी एक्स लाइन सेगमेंट पर एक आर्क कट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर की। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट ए, अब हमें पॉइंट डी कंस्ट्रक्ट करना है। तो पॉइंट सी पे सबसे पहले हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सी पे हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री, इस 60 डिग्री एंगल को हम कंपास की हेल्प से ही बना देंगे ऐसे सेमी सर्कल बना के, और इस लाइन से हम लाइन सेगमेंट पे जिस जगह सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फर्स्ट आर्क जो काटेंगे वो 60 डिग्री की होगी और इसको हम सी पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। लाइन को हम नाम दे देंगे सी वाई, इस पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। सी से पॉइंट डी का जो डिस्टेंस है वो है 4.6 सेंटीमीटर, तो हम कंपास को 4.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और सी को सेंटर रखते हुए लाइन सी वाई पर एक आर्क कट करेंगे।
जिस जगह पर ये आर्क लाइन सेगमेंट सी वाई को कट करेगी वो होगा हमारा पॉइंट डी। अब हम ए डी को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। साइड के मेजरमेंट्स को हम लिख लेंगे, फिर हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप एट पॉइंट बी ऑफ बी सी कंस्ट्रक्ट एंगल सी बी एक्स इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड कट ए बी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एक्स। थर्ड स्टेप एट पॉइंट सी ऑफ बी सी कंस्ट्रक्ट एंगल बी सी वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड कट सी डी इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी वाई। फोर्थ स्टेप जॉइन ए डी, हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।